माफ करवाए रे भाई, खुदा का वास्ता मैं तो माफ करवा। अच्छा ऐसी बात है, अपनी माँ के पत्ते खाए? कैसी पकाई थी? बहुत अच्छी। आ से क्यों पूछ, मैं जैसे पूछ रहा हूँ उससे। पुलाव बनाया था, गोश्त बनाया था, सेवैयां बनाई थी, बहुत उसमें क्या था मामू जो हम लेकर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फैमिली घर पहुंच चुके हैं और शाम भी हो रही है, ये देखें। और इधर बाइक मेरी जी ओके है, रेडी है। उठा लिया रिपोर्टें और धुंध भी काफी ज्यादा अभी से पड़ रही है, ये देखें। अभी से रोड जो बना इस तरह 3 बजे से ये काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआओं से व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ, आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। और इस टाइम हो रहा है जी तकरीबन 3 बज रही है और अभी जो है ना हम जा रहे हैं शहर की तरफ। जैसे आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था, नादिया की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो अभी चलते हैं शहर की तरफ और उधर जा के कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं क्या मसला है। तो आपने दुआ करनी है, रहना हमारे साथ है, वीडियो बिल्कुल नहीं स्किप करनी। तो अभी नादिया जो है ना इधर गई हुई है, चादर मेरे घर पहने चलें। रिपोर्टें उठा लो पहले वाली। तो अभी चलते हैं जी शहर की तरफ और उधर से चल के जो भी देखते हैं कि वो क्या बताते हैं, क्या मसला है क्या नहीं है, क्योंकि रात की तबीयत जो है ना बिगड़ी हुई है। तो दवाई वगैरह वैसे खा रही थी, अभी चल के दोबारा रिपोर्टें वगैरह भी उठाती हैं, फिर शहर चलते हैं, उधर चल के देखते हैं कि क्या माहौल बनता है क्या नहीं। सब्जी के पैसे आपको दे देता हूँ। और बच्चों के इंतजार हम बैठे थे, बच्चे अभी स्कूल से आ गए हैं वापस, इनको देते हैं सब्जी वगैरह के पैसे, क्योंकि हमें लेट भी हो सकती है। तो वसीम जाएगा सब्जी वगैरह ले आएगा और खाना वगैरह बना लेना था। मुझे कॉपी लेनी है एक रजिस्टर, वो भी बस। चलो आपको पैसे देता हूँ, जो चीज़ें भी लेनी है आप ले आएँ और उसके बाद फिर घर में ही रहना है। ओके। सही है। और इधर बाइक मेरी जी ओके है, रेडी है। उठा लिया रिपोर्टें। ये पिछले मंथ वाली है? ये 2 मंथ के साथ है, 2 मंथ के बताने। एक ये है और एक ये है। वो भी है। चलें ले चलें, अभी चलते हैं जी और दुआ करें कि हम जल्दी से ये चेकअप वगैरह करवा के आ जाएं और लेडी जो है वो अच्छी खबर दे। तो आपको पता है कि इस दिन में ना जो ये बेबी के जन नज़दीक होते हैं फिर काफ़ी मसले मसाइल आते हैं। तो अल्लाह पाक खैर करे। अभी बाइक के ऊपर मैं बैठ चुका हूँ, क्योंकि आप फिर ये ना कहना कि बाइक के ऊपर लेके गया, क्योंकि मेरे पास है बाइक और तो सवारी नहीं है। हाँ गाड़ी वगैरह नहीं है, फिर आप कहें कि हाँ बाइक के ऊपर लेके गया है। जो चीज़ हमारे पास मौजूद है हमने वो ही लेके जानी है ना। कैसे ऐसे है कि नहीं? हाँ सकून सकून से चले जाएंगे और सकून सकून से आ जाएंगे वापस। वो आपका छोटा ना आ जाए कहीं। चलो देखते हैं अभी। अभी जो है ना रवाना हो चुके हैं, रोड के ऊपर मौजूद है और धुंध भी काफी ज्यादा अभी से पड़ रही है, ये देखें। अभी से रोड जो बना इस तरह 3 बजे से ये काम है, तो आप देखें कि फिर रात को जो है ना कितना ज़्यादा हो जाती होगी और सुबह सुबह जो है फिर कितना ज़्यादा होती होगी। अभी जा रही है सकून सकून से, तो मैंने कहा चलो बहन भाइयों को बता देते हैं कि अभी जो है ना रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं। जैसे आपने देखा घर से रवाना हो रहे थे और अभी इंशाल्लाह जाएंगे आगे आगे हॉस्पिटल और देखेंगे कि क्या होता है। दुआ ज़रूर करनी है आपने, क्योंकि अभी जो है ना इस टाइम दुआओं की ज़रूरत है। तमाम देखने वालों ने ज़रूर दुआएं करनी है और इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है। और इधर से देखें ये फसल वगैरह, कमाद की फसल जो है ना वो भी अभी तैयार है समय लें, क्योंकि 11वां महीना है ना। हाँ 11वां महीना लग गया है, 11वें के 15-20-25 तक ना मिलने जो है ना वो
वो चल जाती है शुगर। तो अभी जब कमाद का सीजन आ जाता है ना, फिर इस रोड के ऊपर भी चलना काफ़ी मुश्किल होता है इस रोड के ऊपर, क्योंकि ट्रालियों का इतना रश होता है, इतना गन्ने के कमाद के होते हैं, इतना रश होते हैं कि आपको क्या बताएं। हाँ, क्योंकि ये ज़िला रहीमयार खान का जितना भी एरिया का गन्ना होता है ना, वो सारा ही इस मिल में आता है जो कि हमारे बिल्कुल ही साथ है। तो इधर फिर ये खानपुर शहर तक, इधर तक फिरोजा तक, ये सारी ना कमान की जो है ना वो ट्रालियाँ लगी होती हैं गन्ने की। ये हालांकि अलीदी रोड बनी हुई है ना ये वाली, तो ये अलीदा रोड भी फुल हो जाती है और इस मेन रोड के ऊपर भी गन्ने की ट्रालियाँ होती हैं, इतना काफ़ी मसला होता है। तो अभी चलते हैं, चल के देखते हैं कि औंद के हालात भी हैं, कि लहजियाँ वगैरह कोई हमें मिलती हैं कि नहीं। सरकारी में हम जाएंगे नहीं, तो जाएंगे प्राइवेट में, जहाँ से पहले हम काफ़ी बार जो है ना वो टेस्ट वगैरह करवा चुके हैं और दवाइयाँ वगैरह भी ले चुके हैं। तो अभी भी हम कोशिश करेंगे कि उधर ही जाएंगे। और इधर देखें, ये अमरूद का जो है ना बाग, वो भी लग गया है। तो इस साइड पे मुकम्मल ये अमरूद का बाग है। जब ये लगा रहे थे ना, ये बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे थे, अभी देखें माशाल्लाह कितना बड़े हो गए हैं। चलें जी, अभी सफ़र जो है ना वो अपना करते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली घर पहुंच चुके हैं और शाम भी हो रही है ये देखें, क्योंकि उधर जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेडी का जो है ना टाइम 3 बजे से बाद होता है, लेकिन 4 बजे वो आई है। उसके बाद टेस्ट वगैरह करवाए हैं, उन्होंने कहा कोई मसला वगैरह नहीं है, सिर्फ ब्लड की जो है वो कमी है। पिछले बार भी उन्होंने कहा था कि ब्लड की कमी है, तो ब्लड की वजह से जो है ना, और अभी उन्होंने कहा कि ये जो ठंड वगैरह पड़ रही है ना, इस ठंड की वजह से जो है ना ये, यानी कि जोड़ों का दर्द वगैरह इस तरह, और ये क्योंकि इधर से मौसम ठंडे हैं, उधर से फिर आपको पता है कि कपड़े वगैरह भी धोती है या इस तरह के कोई पानी वगैरह वाले जो काम होते हैं ना, फिर इस वजह से काफ़ी मसला है। तो चेकअप करवाया है, टेस्ट वगैरह करवा के फिर आ गए वापस। और इधर जैसे आए तो इब्राहिम खान जो है ना घूम रहा है। इब्राहिम खान, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आप खेलने जाओगे? खेलने जाओगे, स्कूल से वापस आ गए? उठ के खड़े बैठ जाओ, फिर बात करो। हाँ, आप किधर खेलने जाओगे? बेबो के साथ। बेबो के साथ? अभी तो शाम हो रही है, सर्दी बन रही है, ठंड थोड़ी शाम जब होती जाएगी। अभी शाम हो गई है, धुंध हो गई। धुंध धुंध नहीं होगी, अभी शाम हो रही है। तो आज क्या बना रहे हो? आज आलू चावल। आलू चावल क्यों बनाया? मैंने तो सब्जी का बोला था, मैंने कहा सब्जी लेके आनी है, फिर आप चावल ले आए? आलू चावल। अच्छा, वहाँ पक रही है? वहाँ पक रही है। कौन पका रही है? आपी। आपी आपकी पका रही है? अच्छा, चलें जी, अभी देखते हैं, फिर पहुँच चुके हैं घर और बाकी जैसे भी व्लॉग बनता है आपके साथ शेयर करते हैं। आ गए वापस? क्या कहा फिर? मुझे तो पूरी तसल्ली नहीं थी, मैंने ऐसे बता दिया है। वो कह रहे थे कि ये ना सर्दी की वजह से ना ये आपके टांगे जो है ना ये रुक गई है और दर्द होना शुरू हो गया है। ठंड की वजह से? ठंड की वजह से। तो आप ऐसा करें ना, जैसे सर्दी आए आप आटे वगैरह खाएं शाम को बैल करके। वो बोल रही थी कि आप एहतियात करती नहीं है। उसको बोलना था कि एहतियात नहीं करते तो ऐसे फिर दवाई लेने आ जाती है। वो तो उनको बोलो हम आए थे सिर्फ टेस्ट वगैरह कर, मशीन वगैरह लगवाने के लिए, कि कोई बेबी का कोई मसला वगैरह ना हो। बाकी तो उनको बोलो एहतियात से बगैर थोड़ा चल रहे हैं। वो जो बात करती है वो हम मानते नहीं हैं। वो कहती है ब्लड लगवाओ, हम कहते हैं हम ब्लड नहीं लगवाते। ब्लड का तो कहा है? बोला पिछली मर्तबा मैंने कहा था ब्लड लगवाओ, आपने नहीं लगवाया।
पहले एक बोतल की जरूरत थी, अब दो की जरूरत है, अब दो लगवाओ। मैंने कहा चलो ठीक है लगवा लेंगे। फिर मैं उठ के वापस चली आई। अच्छा ये ठंड के लिए ना अंडे मंगवा लेते हैं, एक सुबह एक शाम को आपने खाना है उबाल करके, ये आपकी टांगे वगैरह खुल जाएंगी। बाकी तो देखते हैं कोई हिसाब लगाते हैं क्या करना है आगे के नहीं। सही है। किसी और डॉक्टर वगैरह से मशवरा करेंगे कि वो इस मामले में क्या कहती हैं, क्योंकि हमारा जहन तो ये बना हुआ है कि ब्लड अगर लगवाना हो तो इसका तो मैच करके लगा देंगे, जो बेबी है उसका तो मैच नहीं होगा ना, कोई मसला मसाइल बन सकता है। तो इस वजह से जो है ना हमने ब्लड की वजह से इसलिए हम पीछे पीछे हैं कि ब्लड कैसे लगवाएं ना लगवाएं। तो कोई मशवरा वगैरह करते हैं डॉक्टर से कोई, तो फिर देखते हैं अपनी फैमिलियों में से भी मशवरा करेंगे, देखेंगे फिर क्या होता है क्या नहीं होता। तो आपने दुआ करनी है, और अभी अभी आए हैं वापस, उसके बाद फिर देखते हैं खाना वगैरह बन रहा है। बनाए आलू भी बनाए हुए हैं और चावल भी बना रहे हैं। कौन खाएगा क्या आलू और चावल? वो बना के रखे हुए हैं कि मेरे ख्याल में अभी शाम को वो कहती है कि जो खाएंगे चावल खाएंगे, जो रोटी खाएंगे रोटी खाएंगे, नहीं तो सुबह नाश्ते के लिए तो सालन होगा। मेरा तो कुछ खाने का मूड भी नहीं। बिल्कुल वो खाना तो पड़ेगा ना। कुछ भी नहीं मूड बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं खाओगे तो फिर इसलिए तो खून की कमी हो रही है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं तमाम बहन भाइयों, इसकी ना ये है, मैं इसे कहता हूँ सेब वगैरह खाएं, दूध पिएं, उसके अलावा मिल्क शेक का मैंने बोला था मिल्क शेक बना के पिए, वो कोई इस चीज़ पे एग्री भी नहीं है कि मैं ये चीज़ खाती पीती हूँ या ये नहीं खाती पीती। फिर कैसे ब्लड बनेगा? जो चीज़ कहते हो वो नहीं मुझसे बर्दाश्त होती, खाना भी नहीं बर्दाश्त होता। रोटी खाती हूँ आपको पता है, मैं दो दो टाइम नहीं खाती, फिर एक टाइम खाती हूँ वो भी उल्टी आ जाती, तो फिर ये चीज़ें कैसे खाऊँ? कोई चीज़ अगर बर्दाश्त हो तो मैदा बर्दाश्त कर ले तो खाऊँ ना। ऐसा ऐसा खाना होता है ना, आप जैसे शाम को दूध मंगाती हैं 100 का मंगाती हैं तो 200 का मंगा लें, उसको थोड़ा नीम गरम करके वो आधा गिलास पिएं शाम को पी लें, तो ऐसा ऐसा ही बर्दाश्त होगा ना मैदा जब, क्योंकि अभी वो कहती है कि ब्लड की कमी है, ब्लड की जब कमी होगी जो ताकत वाली चीज़ आप खाओगी वो साथ जहर है वो बर्दाश्त तो नहीं होगी। ऐसा ऐसा एक चीज़ को करना पड़ता है ना, ये तो नहीं है कि एक चीज़ अगर खाने से बर्दाश्त नहीं होती है तो फिर खाना ही छोड़ दें, इस तरह तो फिर क्या होगा? ऐसा ना खाओ तो तबीयत सही होती है, अगर खाती जाओ तो तबीयत खराब हो जाती है। क्योंकि उसकी ये है कि जिस चीज़ जो आप गिलास नहीं बर्दाश्त होता ना उधर आधा गिलास खा लें, आधा नहीं होता उससे कम खा लें, लेकिन ऐसा ऐसा ना वो बर्दाश्त होता जाएगा, जैसे जैसे थोड़ा खून बनता जाएगा तो वो ताकत भी, ताकतवर चीज़ जो होती है हमेशा ब्लड जब कम होता है तो वो बर्दाश्त नहीं होती, जब ब्लड ऐसा ऐसा पूरा होता है तब जो है ताकत की चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती है, ये चीज़ है, इसलिए तो ब्लड नहीं लगवाते। अगर ब्लड लगवाएं तो फिर क्या होगा? फिर तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ताकतवर होता है ना ब्लड, अगर लगवा लें तो फिर क्या होगा, इससे भी ज़्यादा तकलीफ देगा। ये खाना जब फ्रूट वगैरह ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती तो ब्लड कैसे बर्दाश्त? वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना फिर ऐसा ऐसा करके खानी पड़ेंगी, क्योंकि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा आप तमाम बहन भाइयों ने बताना है, क्योंकि जो ताकत वाली चीज़ होती है ना उसको ऐसा ऐसा स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि आधा गिलास दूध का पी लें, कोई फल फ्रूट वगैरह थोड़े थोड़े से, यानी कि एकदम जो है ना ये पूरा सेब ना खा जाए, यानी कि उनमें से एक दली काट के खा ले, दो दलियाँ काट के खा ले, इस तरह ऐसा ऐसा दिन में सारा दिन बेशक खाती रहे, तो ऐसा ऐसा जो है ना ये कंट्रोल होती है सब कुछ। बहरहाल अल्लाह पाक बेहतरी करे जी, कोशिश करते हैं देखते हैं फिर आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत?
है, जबरदस्त है, जबरदस्त माशाल्लाह। क्या हो रहा है? बैठा हूँ ऐसे, वो मेमोरी फुल हो गई है मोबाइल की, वो क्लियर कर रहा था। अच्छा, तो वो काफी सारी चीजें ऑफलोड की है, अब जाऊंगा उधर वाईफाई पे फिर इंस्टॉल करूंगा। अच्छा, आ जाए, बैठना है? उठूं? नहीं, बैठना नहीं है। हाँ। मैं आया था, मैंने कहा इधर से थोड़ा बहुत क्लिप लगा लें। लगा लो, क्योंकि मैं चला गया था शहर अस्पताल, फिर मेरा व्लॉग नहीं बना। क्या बोला है डॉक्टर? डॉक्टरों ने बोला है ब्लड की कमी है। अच्छा। वो कहते हैं ब्लड लगवाओ, दो महीने से हमें कह रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं हम ब्लड नहीं लगवाएंगे। तो फिर वो चीजें ले आओ, खिलाओ। वो चीजें तो खिलाओ, वो खिलाओ, बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो चीज भी खिलाता हूँ वो कहती है अनार ले आओ, कोई देसी घी खिलाओ, कोई माहौल बनाओ, फ्रूट जूस, मिल्क शेक, मिल्क शेक, ये चीजें बना के खिलाओ ना सुबह सुबह। तो और जो है ना, फिर वो मसला बना ठंड का, जिस वजह से हम गए थे, वो टांगे रुक गई और चेल रुक गई। खून की कमी जो ज्यादा ना ठंड, उसको ज्यादा लगेगी, जिसका खून है उसको तो ठंड महसूस नहीं होती ना। नहीं, हमें भी हो रही है, लेकिन इतनी तो खास नहीं है हाली सर्दी। लेकिन वो असल में ये है ना कि फिर काम बर्तन धोने हैं, कमजोरी को ज्यादा सर्दी गर्मी पकड़ती है ना, जो कमजोर बंदा हो ना उसको सर्दी भी ज्यादा लगती है और गर्मी भी ज्यादा लगती है। लेकिन मैंने मिल्क शेक भी शुरू किया था, उसको पिलाने की बड़ी कोशिश की है, जिस दिन वो पीती थी बस उस दिन शाम तक वो कहती थी बस मुझे सुकून नहीं है। पता नहीं ताकत ज़्यादा होती है ना उसमें। फिर मैंने कहा है कि जो चीज़ आपको ताकत वाली होगी वो तो आपको ऐसे तंग करेगी। अभी मैंने कहा, वो कहते हैं ब्लड लगवाओ, अगर हम ब्लड लगवा देते हैं तो फिर कैसे ब्लड कैसे बर्दाश्त करोगी बात। तो मैंने कहा आप ऐसे करें कि जो चीज़ आपको ताकत देती है ना, फ़ायदा देती है, वो आप एकदम ना खाएं ना, थोड़ी थोड़ी करके खाती रहें। जैसे सेब वगैरह है, वो आप दूध के एक गिलास पिए, एक नहीं बर्दाश्त होता आधा पी लें। सही बात है। सेब खाएं, दूध पिए, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें ना। हाँ, तो वो मैदा बर्दाश्त भी करता है और वो खून जब बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर ऐसा ऐसा खुराक भी बर्दाश्त होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी बेबी आने वाला है, तो अभी आप देख लें कि अभी ब्लड भी नहीं लगवा सकते हैं। आप उसका टेस्ट कराओ ना, कौन सा ब्लड है, सफेद भी होता है, सफेद ब्लड लगवाना होता है। यार ये तो ढेर किस्म होते हैं ना। उन्होंने कहा ये वाला ब्लड लगवाओ, ओरिजिनल जो होता है। ओ पॉजिटिव का उसका ग्रुप है। उसके कुंभे में सारे में वही है, उसके मुकम्मल। उसकी वो अम्मी का भी हमने ऑपरेशन करवाया था ना। अब उसकी अम्मी तो नहीं दे सकती वो। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वैसे। मैं पढ़ा इसका अहमद दीन का ओ पॉजिटिव है। अहमद दीन का ओ पॉजिटिव है। मेरा भी ओ पॉजिटिव है। हां, ये आसान है ब्लड। आसान है, पॉजिटिव आसान है, नेगेटिव नहीं मिलते वो जो सो। क्या हो गया ओए, झगड़ा क्यों कर रहे हो? झगड़ा कर रहे हो, मुझे पता चल गया है। ओ पॉजिटिव जो होता है ना, वो ये आसानी मिल जाता है। पॉजिटिव ना 100 में से 90 का होता है या 95 का होता है, जो नेगेटिव होता है वो 100 में से 5 का होता है, इतना वो महंगा खून है। चलें, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करेगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हां, दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत कैसी है? जबरदस्त है, जबरदस्त। जनाब क्या हाल है? रात को है ना कौन लगाता है, तो दिन को कौन लगाता है? दिन को सब लगाते हैं, रात को कोई लगाता नहीं। वो शाम का टाइम होता है, जब थोड़े मच्छरों के टाइम होता है। ये वो है ना कहना, ये वो है ना कहना, जो इधर से तो ब्लैक नजर आती है, अंदर से वाइट। रात को पहनोगे ना तो सफेद हो जाती है, दिन को पहनोगे ना ब्लैक हो जाती है। ये ऐसी है, ये ब्रांड। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, वैसे नहीं आ रही। और जी आप सुनाए, तबीयत सी आते क्या? और से भी सलाम तो ले ले यार, बात में ना मजा आ रही है। ओ यार, चश्मे में बांध के ओ चश्मे में खेल लगवा दिया, चश्मे में लगा दिए। कैसे हैं? क्या हाल है? ठीक है। तबीयत सी कैसे है? अपना सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही का सुनाए, वीडियो लगी हुई थी। वो बीमार है यार। अच्छा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है,
अभी तो कुछ खाया पिया ही नहीं है, ऐसे सो गई। डॉक्टर वही कह रहे हैं कि वो कहते हैं ब्लड कम है, ब्लड लगवाओ। हम कहते हैं हम ब्लड नहीं लगवाते। दूसरा सर्दियां आ गई है ना, सर्दियों की वजह से फिर काम, इस वजह से जो है ना फिर उसकी वो टांगे वगैरह सर्दी की वजह से ना रुक गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी माँ की पक्की खाई? कैसी पकाई थी? बहुत अच्छी। क्या अच्छी थी उधर? सब कुछ अच्छा था उधर। मुझसे पूछो क्या उधर अच्छी थी। हाँ से क्यों पूछो, मैं जिससे पूछ रहा हूँ उससे। नहीं उधर मैं देख रहा था उधर मुंजी की मौसम है, मुंजी काटी जा रही है, फूटी जा रही है। तो आपकी सईद भाई ने कोशिश की कि वो जो सरसों अपना सरहन का क्या बोलते हैं मुंजी, मुंजी के लिए वो है ना चावलों वाली रोटी बना के आपको खिलाते हैं नाश्ते में, लेकिन मिली नहीं, आटा नहीं मिला। आटा नहीं मिला। वैसे बिरयानी तो खा रहे थे। जिसके ऊपर ये झगड़ा कर रहे थे, क्या क्या बनाया था? मटर पुलाव बनाया था, गोश्त बनाया था, सेवैयां बनाई थी। वो दूसरा क्या था मामू जो हम लेकर आए थे, उसको क्या बोलते? खोया, अंगूर, बहुत सारी चीजें थी। अच्छा अल्लाह का बंदा, पहले दिन प्रॉब्लम हुई है, कोई भी घर नहीं था, मेरी सिस्टर अकेली थी तो वो नहीं कर पाई काम सारा। तो उस दिन दाल मैंने मंगवा रही, जब जैसे ही दाल पकी है फिर दौड़ना शुरू हो गया। पहले दिन दाल माफ करो रे वे खुदा का, बात है मैं तो माफ करता। अच्छा ऐसी बात है, ऐसी बात दाल जो है ना दाल फ्राई बनाई है हमने, तो दाल फ्राई जबरदस्त थी। तो देखने वाले कुछ कह रहे थे कि दाल फ्राई है, कुछ कह रहे थे जी दाल की तो कीमत है, वो चिकन के बराबर पहुंच चुकी है। चले जी माशाल्लाह खैर खरिया से पहुंच गया, दाल वगैरह खा के आ चुके हैं। हाँ जी। और वो बताए बस कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, हर बात है नहीं उसके पास, और कुछ भी नहीं होता। चले जी अल्लाह खैर करे।